सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवताओं ने मिलकर पर्वतराज हिमालय के पास आकर स्तुति की है। माँ गंगा स्नान करके निकल रही थी। देवताओं किस लिए स्तुति कर रहे हो? ये बोली थी कि उनकी कोख से एक भगवती प्रकट हो जाती है, उनका नाम पड़ा कौशिकी, और जिससे वो भगवती प्रकट हुई उनका रंग हो गया काला, वो हो गई काली। समझ में आया? ब्लड निकल जाए शरीर से तो शरीर काला नहीं हो जाता है। तो कौशिकी भगवती प्रकट हुई, वो तो परम सुंदरी है, लेकिन जिससे निकली वो काली है, काली है। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, मैं समाप्त करता हूँ। भक्तों का दुख मिटाना ये मेरा संकल्प है, इसके बाद तुम्हारा जो लंबा विषय है। शुंभ और निशुंभ के मंत्री निकले हैं, नगर के बाहर ही देखा एक महिला सिंह पर सवार, वीणा हाथ में है और मधुर स्वर से गीत गा रही है। स्वर ब्रह्म जो स्वर गले से साध कर बोला जाता है ना, ये भी स्वर ब्रह्म। उन्होंने जाके शुंभ निशुंभ को सुनाया और यही सुना दिया कि न भूतो न भविष्यति, ना ऐसी पहले हुई है ना आगे शायद होगी, बस तो आप दोनों में से किसी एक को ही भर लें सब कुछ। आप इंद्र से ये छीन लाए, वो छीन लाए, ये किया वो किया, वो आ जाए तो सब कुछ पूरा हो, बस कामक हो गया। अपने मंत्री सुग्रीव को भेजता है, सुग्रीव ने जाकर अपने मालिक की राजा की प्रशंसा की, शुंभ और निशुंभ की, उनमें कितनी शक्ति है, कितना खजाना है, कैसे सुंदर का, तो उनकी बन जाओ। तो माँ ने मुस्कुरा के कहा हाँ मैंने सुना तो है कि शुंभ निशुंभ बहुत बलवान है, सुंदर भी हैं और त्रैलोक के शासक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने बचपन में एक गलती कर ली है। क्या गलती कर ली? यो माम जयति संग्रामे, यो मे दर्पम विपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। क्या जो संग्राम में मुझे जीत लेगा, जो मेरे अहंकार को मिटाएगा, जो प्रतिबल, वो मेरा पति बने। सुग्रीव हंस पड़ा, इतनी कोमलांगी हो तो रुई से भी मुलायम शरीर नजर आ रहा है, और हमारे महाराज से युद्ध करेंगे आप? देवता जिनसे पराजित हो चुके हैं, इंद्र वरुण कुबेर जिनके दास बन गए हैं, माने का हम मजबूर हैं, प्रतिज्ञा जो हमने कर ली और उसी को हम पति बनाएंगे जो हमारे गर्व का खरबंडन करते हैं। जाके सुनाया, जब सुनाया तो क्या करना चाहिए, अभी चलें? नहीं नहीं, गीदड़ को मारने के लिए हाथी नहीं भेजा जाता, एक नारी को मारने के लिए आप जाएंगे? नहीं, हमारे पास मंत्री हैं, सेनापति हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, फिर तो महाराज भेजा गया है। ताम्र को भेजा है, ताम्राक्ष वो भी मरा, चंड और मुंड इन दोनों को भेजा है, विस्तार है संक्षेप में समय के आधार पर। चंडमुंड को अंत में भगवती काली ने
युद्ध करते करते बर्ड पास फेंका और दोनों के गले को बांध लिया। और जैसे लोग दो कुत्तों को लेकर चल पड़े, खरहा को लेकर चल पड़े, इसी तरह से काली दोनों को लेकर के वहाँ आए। पराम्बा भगवती ने कहा निहत्थे पर शस्त्र चलाना दोष होता है। हाँ, पशु की जो बलि दी जाती है उस पर शस्त्र चलाने में दोष नहीं होता। इनको पशु बनाओ पहले, पशु भाव इनमें पैदा करा के फिर इनका सिखा। भगवती काली ने वही किया, तलवार से सिर काटे, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजे जय जयकार किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर, पराम्बा ने प्रसन्न होकर कहा काली के तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पड़ेगा चामुंडा। नहीं, चा से चंड और मुंडा से मुंड हो गया चामुंडा।